तेजनारायण बेचैन जी के यहाँ कवि सम्मेलन था। सुबह ये 5 बजे अपनी कार से मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, तो इनका घर शहर से थोड़ा दूर है, तो एक कार लेके जब सड़क पर निकले तो दोनों तरफ लोग लोटा लेके खड़े होने प्रारंभ हो गए, कार की हेडलाइट जलते हैं। तो मैंने इनको छेड़ने के लिए पूछा, मैंने कहा तेज जी ये क्या है, तो ये झेपते हुए बोले कि आप देश के बहुत बड़े कवि हैं, तो मेरे शहर के लोग आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं सुबह सुबह। मैंने भी आंख मार के कहा कि गाजियाबाद आओ, इससे दुगना गार्ड ऑफ ऑनर ना दिलाऊं तो नाम बदल दे। प्रधानमंत्री जी जानते थे कि गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया काफी फेमस है, इसीलिए उन्होंने तुरंत शौचालय निर्माण की तरफ काम जुटाया। प्रधानमंत्री बनते ही झाड़ू हाथ में ले लिए, एक चीज थी हमारे पास उसमें भी डंडा लगा दिया। तो हमने कहा चलो इसमें है कि क्या बात है, लगा हमारे और जवाब तुम्हारी जोर से आवाज निकली। लेकिन तेजनारायण बेचैन जी यहां पर बैठे हैं, व्यंग के कवि हैं। मैं 2 पंक्ति में आपको व्यंग सुनाता हूं और आपका ठाक आपकी तालियां उन्हें मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। शरद जोशी हमारे बहुत प्रसिद्ध व्यंगकार हैं, मध्य प्रदेश के हुए। उन्होंने अभी असहिष्णुता पे मुझे याद आया कि एक सज्जन तो ऐसे हैं जिन्होंने पुरस्कार लौटाया, जिन्होंने आपातकाल के दौरान शरद जोशी और दुष्यंत कुमार की गिरफ्तारी के कागज पर साइन किए थे। उस समय अर्जुन सिंह जी के वो निजी सचिव थे देश में, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और बेटा एक बात बता दूं, ये 5 आदमी इधर से पुरस्कार लौटा दें और 5 आदमी उनसे उन खिलाफ गाली गुफ्तार कर दें, ये देश नहीं है। 25-30 लोग ना इधर के ना उधर के देश नहीं है, ये 125 करोड़ का मुल्क है। यहाँ 5 कदम पर भाषा बदल जाती है, 10 कदम पर आपका भोजन बदल जाता है, 10 कोस पर, 20 कोस पर आपका रहना सहना बदल जाता है। और यही एक जगह है जहां आप कच्छ के इलाके में जाइए, जहां प्रकृति ने रंग सारे मिटा दिए और पूरा कच्छ सफेद कर दिया। पगड़ियों में सबसे चटकदार रंग अगर मिलते हैं तो कच्छ में ही मिलते हैं, प्रकृति को एक तरफ करके लोगों ने रंग घोल दिए। तो भारत माता की चुनरी में बहुत सारे रंग हैं और उसी से भारत बनता है, चंद लोगों से भारत नहीं बनता, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। मैं व्यंग के कैसे कवि को बुलाता हूं जो आप तक पहुंचेगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा जैसे आपने जानी को सुन लिया, किसने जो भी करा आप सब खुश होते चले गए। आशीष भाई को सुना, उन्होंने भी जोर से अपनी विचार को प्रस्तुत किया तो आपने तालियां बजा दी। व्यंग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और कवि सम्मेलन 2 तरफा व्यापार है, 10-15 हजार लोग हैं, हमारे पास कोई संगीत नहीं है, हमारे पास कोई नाच गाना नहीं है, ये लाइट भी नहीं घूम रही है, हम ही अकेले बैठे हैं, केवल भाषा है, शब्द है और आप हैं और तालियां बज रही हैं। इसलिए आपको हमारे साथ आना होगा, क्योंकि डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। जो लोग हाथ बांध कर बैठे हैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, शायद उनकी तालियां गूंजें, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अभी भी कुछ लोगों ने तालियां नहीं बजाई, अगर वो हाथों का कुछ और उपयोग भी करते हो तो अगली पंक्ति पर जरूर बजा दें, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आपकी तालियों का कलरव, आपकी वाह, आपकी प्रतिक्रिया, आपका ठहाका कवि सम्मेलन को जीवंत बनाती है। हम इस ठिठरे हुए माहौल में, इस थोड़ी सी हल्की सी गुलाबी ठंड में बैठे हुए हैं, केवल 2 कवि शेष हैं, इन्हें भी आप सुन लेंगे तो हमारा आना सार्थक होगा। मैं तेजनारायण बेचैन जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं, आप जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। आइए दोस्तों, आइए, मैं एक नई कविता सुनाता हूँ। अरे वाह तेज, बहुत अच्छे, ये तो बात ही बढ़ गई है। एक नई कविता सुनाता हूँ, केवल अशोक सुंदरानी को छोड़ के सबके लिए नई है। हम हर साल लाल किला एक भाषण देता है हमें, और भाषण के नाम पर जो फरेब देता है उसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे अंदर से एक आक्रोश निकलता है, उस आक्रोश को कहीं ना कहीं मैंने कविता का आधार बनाया है। बस मेरा साथ दीजिएगा, नई कविता है, थोड़ी सी रियाज में नहीं है, कहीं अटकूं तो क्षमा कर देना, एक आध जगह मैंने पढ़ी है तो पूरी तरह से कंठस्थ नहीं है, लेकिन आपको आनंद देगी। मेरा दोस्त कुमार यहाँ बैठा है, मेरे संघर्षों के साथी आशीष अनल यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें नजर करता हूँ, अगर इन लोगों ने पास कर दी तो फिर आगे अपन इसको ले जाएंगे, लाल किले पे सुनवाएंगे। सुन ले भैया, ये जो भाषणों का बोझ, ये जो भाषणों का बोझ आप हर साल हमारे कंधे पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो भाषणों का बोझ
ये जो भाषणों का बोझ जो हर साल आप हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी सिर्फ सामर्थ्यवान लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है। आजादी सिर्फ सामर्थ्यवान लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। और आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपको तो हम खूब पहचानते हैं। ये रसूख, ये कद, ये ओहदा हुजूर, सारा खेल आंख नीचे का है। अरे आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी बता रही हो, मगर आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ जो सुर्ख गुलाब है वो हमारे बगीचे का है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी बता रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ जो सुर्ख गुलाब है वो हमारे बगीचे का है। कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। वाह, और ये महकते हुए गुलाब, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए चाहे ईंट पत्थर का बना हो, मगर हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान है, मगर हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान है, मगर हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान है। हुजूर इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक कथनी और करनी को घसीट रहे हैं। हम 69 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर जो नहर आपने हमारे गांव भेजी थी वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। अच्छा, याद करो पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव में थी वो अभी तक नहीं आई है। सुना है आपने इस बार नदी भिजवाई है। आपके ये इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपकी भेजी हुई नदी खुद बता रही है कि आप किस सादगी से हमारी नहर खा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद बता रही है कि आप किस सादगी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नहर और नदी दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर अगर आप भागीरथ हो तो अपने भागीरथ होने के मानी दे दो। हम 69 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हुजूर अगर आप भागीरथ हो तो अपने भागीरथ होने के हमें मानी दे दो। हम 69 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद उसकी आत्मा है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है तो संसद उसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे गजब ढा रहे हैं, सर्कस और चिड़ियाघर वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। आजाद भारत के अंदर गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किष्किंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किष्किंधा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर कह रहे हैं इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। ये जनता है, इस जनता के दर्द को कवि गाता है, और जब कवि गाने बैठता है तो पंक्तियां यूं निकलती हैं कि कथ कथानक रूपक क्या किरदार बदलना आता है। कुमार सुनना,
कथ्य कथानक रूपक क्या किरदार बदलना आता है, उन्माद भरे हर मस्तक की दस्तार बदलना आता है। अक्षर भर जीवन है लेकिन महाप्राण है नस नस में, अक्षर भर जीवन है लेकिन महाप्राण है नस नस में। हम जनपद के युग चारण है सरकार बदलना आता है, हम जनपद के युग चारण है सरकार बदलना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।